हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नई टिप के साथ। कि कई बार होता क्या है कि हमने अगर अपने सिस्टम में कोरल ड्रॉ 5 डाला हुआ होता है पहले, और उसके बाद कोरल ड्रॉ 6 अपडेट करते हैं, या वर्जन 7 जो है उसको डाल देते हैं, तो होता क्या है कि जो कोरल ड्रॉ का प्रीव्यू होता है वो दिखना बंद हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर इस तरह का प्रीव्यू दिखाता है। जैसे कि अभी आप मेरे सिस्टम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे, चूँकि मेरे सिस्टम में वर्जन 5 भी है और वर्जन 7 भी है, तो जो कोरल ड्रॉ फाइल का प्रीव्यू है वो दिखना बंद हो गया है, क्योंकि उसको मैंने ओपन विद किया हुआ है। जो मेरा पुराना वर्जन है कोरल, इसी के साथ मैंने सेट किया हुआ है कि जब मैं डबल क्लिक करूँ तो जो मेरा अपना जो वर्जन 5 है फाइल उसमें खिले। तो दोस्तों, अब इसका हम चाहते हैं कि इसका जो प्रीव्यू है विंडोज़ एक्सप्लोरर में वो दिखाई दे। तो उसके लिए दोस्तों, अब हमें करना क्या है, अब इसके पूरे इसको कैसे वापस ला सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों कि हम आगे बढ़ें, अगर आप मेरी वीडियो लाइव देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि अभी जो इस तरह की टिप्स हैं, अगर मैं नई टिप्स दे रहा हूँ तो आपको इनबॉक्स में तुरंत मिल जाए, इसके लिए जरूरी है कि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं। उसके लिए दोस्तों, सिर्फ आपने जो ये रेड बटन दिया हुआ है, अगर आप वीडियो अभी देख पा रहे हैं तो ऐसा रेड बटन आपको दिखाई देगा कॉर्नर में वीडियो के। अब वहाँ माउस को ले जाएँ, और वहाँ ले जाने के बाद ये विंडो अपने आप खुल जाती है छोटी सी। आप यहाँ जा करके सिर्फ जो बटन लिखा हुआ है सब्सक्राइब, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, या फिर आप यहाँ से यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं सब्सक्राइब पे। तो दोस्तों, ऐसा करने के साथ ही आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे, और जो नई नई टिप्स आएंगी वो आपको तुरंत, आपके पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएंगी। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि हम कोरल ड्रॉ के अंदर, अगर हमारी कोरल ड्रॉ जो एक्सप्लोरर फाइल है विंडोज़ की, उसके अंदर कई बार हमारा विंडोज़ जिसका कोरल का प्रीव्यू नहीं दिखाई देता है, तो उसके लिए हमें कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो आपका कंट्रोल पैनल खोलिए। जैसे मैं विंडोज़ 8 में हूँ, तो मैं कंट्रोल पैनल विंडोज़ 8 का था, मैं इस प्रकार से खोलते हैं। तो डेस्कटॉप पे मैंने सेव भी किया हुआ है, मैं यहाँ से कंट्रोल पैनल खोलता हूँ। और कंट्रोल पैनल खोलने के बाद ये बंद करके वापस जाते हैं। कंट्रोल पैनल ऐसे यहाँ खुला हुआ है, मैं सबको फिर से बताना चाहता हूँ। तो यहाँ आने के बाद आप इसमें ढूंढिए ऐड रिमूव प्रोग्राम्स का सेटअप कहाँ होता है। तो उसके लिए ढूंढने के लिए ये आपका प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, ये विंडोज़ 8.1 के अंदर प्रोग्राम्स एंड फीचर के नाम से आता है, और वर्जन प्रीवियस टू विंडोज वर्जन 7 जो विंडोज़ 7 का था, उससे पहले ये ऐड रिमूव प्रोग्राम्स के नाम से था। तो आप इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद जो प्रोग्राम्स आपने डाला हुआ है, आपका एक पूरा लिस्ट खुल जाती है। इसमें दोस्तों एक प्रोग्राम होता है कोरल ग्राफिक्स विंडोज सेल एक्सटेंशन। ये जो प्रोग्राम है ये आपका प्रीव्यू दिखाने के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब इसकी वजह से, इस प्रोग्राम की वजह से आपका विंडोज़ एक्सप्लोरर में जो कोरल फाइल है उनका प्रीव्यू देख पाते हैं। तो आप दोस्तों, सबसे पहले तो आपने करना क्या है दोस्तों, इसको यहाँ से रिमूव करना है। इसको करते हैं हम अनइंस्टॉल यहाँ से, क्योंकि ये वर्जन 7 का है। आप यहाँ देख पा रहे हैं वर्जन 7, तो जो समय 17 डाला था ये उसका वर्जन डाला हुआ है 17, यानी 15 का जो वर्जन होता है ये अपने आप उससे अपडेट हो जाता है जब हम नया वर्जन डालते हैं। तो हम इसको यहाँ से पहले रिमूव करते हैं। मैं इसको रिमूव किया, अब ये रिमूव हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम जाते हैं वापस ड्राइव सी में जाते हैं। ड्राइव सी में जाने के बाद आप, हम देखते हैं कि हमने कोरल कहाँ इंस्टॉल किया हुआ है। तो जो वर्जन 5 होता है वो आपका जो 86 वर्जन है, 86 कोरल प्रोग्राम फाइल 86 वर्जन, इसके अंदर इंस्टॉल होता है। अगर कुछ लोगों के सिस्टम में यहाँ नहीं हो तो आप प्रोग्राम फाइल से भी चेक कर सकते हैं। और इसके अंदर कोरल है, इसमें वर्जन 7 इंस्टॉल होता है, और जो वर्जन 86 है वो चूँकि वो आपका यहाँ होता है इंस्टॉल, वर्जन 5 जो है। तो आप इस पर क्लिक करें, आप प्रोग्राम फाइल्स के अंदर गए, कोरल खोला, यहाँ आपने कोरल ड्रॉ ग्राफिक्स सूट 5 खोला, और इसमें हमें फाइल सर्च करनी है सेल सेल एक्सटेंशन डॉट एम एस आई। ये फाइल में सर्च करनी है इस पूरे फोल्डर के अंदर, ये कहाँ पे है लोकेशन, इसकी हम देख चेक कर लेते हैं। ये लोकेशन आपको मिल रही है सेटअप से CGS 515, इसके अंदर है सेल EXT MSI, यानी फाइल का नाम है। आप दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, मैं भी आपको बिल्कुल प्रॉपर दिखा देता हूँ। फाइल का नाम है, मैं न्यू फाइल खोल रहा हूँ यहाँ पे, इसका नाम है सेल EXT MSI। तो आपने इस फाइल को ढूंढना है अपने प्रोग्राम से, जो आप सेटअप आपने इंस्टॉल कर रखा है, आपने वहाँ से इसको ढूंढना है और इसको रन करना है। पहले सबसे पहले आइए एक्सेप्ट कर देते हैं इसको, हम करते हैं रन इंस्टॉल। आपसे ये परमिशन मांगेगा, आप इसको यस कर दीजिए। ओके दोस्तों, हमने इसको फिनिश कर दिया। अब हम चेक करते हैं प्रोग्राम्स एंड फीचर में, वापस मैं कंट्रोल पर आ जाता हूँ कि हमने भी जो निकाला है वो अभी तुरंत शो नहीं करेगा। हम इसको वापस जाते हैं कंट्रोल पैनल में, इसको दोबारा खोलते हैं प्रोग्राम्स एंड फीचर्स को। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर एक सेलेक्शन से लोड हो गया है वर्जन 15, जो अभी तक 17 था, अब ये वर्जन 15 हो गया है। यहाँ पे चेक करते हैं प्रीव्यू आ रहा है कि नहीं आया, एक बार चेक करते हैं। अगर नहीं आया तो हम इसका एक, अगर इतने से प्रीव्यू आ जाता तो अच्छी बात दोस्तों, अगर नहीं आता है
तो हमें इसका भी सेटअप और देखेंगे, अभी भी नहीं आया है। तो अब क्या करते हैं, अब जो हमने वर्जन 7 डाला हुआ है हम वहाँ भी चलते हैं। वर्जन 7 हमारा जो वर्जन था वो इसके अंदर है। हम यहाँ पहुँचते हैं कोरल के अंदर, और यहाँ जाने के बाद यहाँ भी हम वही फाइल सर्च करते हैं, सेल exe.msi। ये फाइल मिल गई मुझे, ये भी आपको वहीं मिलेगी। सेटअप जो हमने पहले ढूंढा था वो हम फाइल्स कोरल, कोरल ड्रा ग्राफिक सूट सेटअप और CGS 17। तब इसको भी रन करते हैं, करते हैं इंस्टॉल, आई एक्सेप्ट डन टर्म्स एंड लाइसेंस जो भी है। इसके बाद इंस्टॉल कर देते हैं, यस करते हैं, ओके, कोई बात नहीं दोस्तों, ये होने दीजिए, फिनिश करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम, तो दोस्तों हमने ये दोनों सेटअप प्रोग्राम जो थे हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा प्रीव्यू वहाँ पर शो कर रहा है नहीं कर रहा। मैंने फोटो खोला हुआ है यहाँ करता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ऐसा करने के साथ ही यहाँ पर इसको जो प्रीव्यू फाइल थी ये अपने आप यहाँ पर डिस्प्ले होने लगी है। ऐसे कोई से आप प्रोग्राम रिफ्रेश करते हैं, एक मिनट अभी ऊपर कुछ शो कर रहा है, रिफ्रेश किया यहाँ पे, कुछ शो कर रहा है अभी, कुछ शो नहीं कर रहा है। इसको हम देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक काम करें दोस्तों, यहाँ कुछ पहले जो शो नहीं कर रहा है आप इसको ओपन विद करें, चूज प्रॉपर्टीज़ में जाएँ। इसके बाद यहाँ जाने के बाद चेंज करते हैं इसको हम कोलरा इंटू 5 से। ये आप इसको ऐसा, आप उसको एक बार रिफ्रेश कर सकते हैं चेंज करके प्रोग्राम से। आप जो वर्जन 5 को जो है आपका डिफ़ॉल्ट वर्जन 5 या वर्जन 7 जिस आप खोलना चाहते हैं आप इसको उससे चेंज कर दीजिए एक बार। उसका अप्लाई कर देते करने के साथ ही बाकी के प्रीव्यू भी आपके यहाँ दिखने शुरू हो जाएंगे। आप देख पा रहे हैं लेकिन जितनी फाइलें हैं सबके प्रीव्यू में अंदर ही फाइलें हैं, यहाँ पर सबके प्रीव्यू आप यहाँ देख पा रहे हैं बिल्कुल एक झटके में, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये देखिए अभी तक ये कोई प्रीव्यू नहीं बन रहा था, इसके साथ ही सारे प्रीव्यू अपने आप बनने शुरू हो गए हैं दोस्तों। जो अभी मैंने फाइलें बना रखी हैं आपको, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ बना करके, सारी फाइलें प्रीव्यू अपने आप यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो दोस्तों ये टिप थी आज की थी कि मैं आपको अगर कोरल का प्रीव्यू यहाँ पर आपको नहीं देख पा रहे हैं अपने फाइल के साथ में एक्सप्लोर के अंदर, तो उसको कैसे इसको रिस्टोर कर सकते हैं ये पूरा तरीका बताया था। बस मेन फाइल आपने ध्यान रखनी है सेल exe.msi, उसको आपने इंस्टॉल करना है, आपने दोबारा से इंस्टॉल करना है वर्जन 5 का भी और वर्जन 7 का भी। अब जैसे यहाँ चेक करता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें जाता हूँ प्रोग्राम फीचर में, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि वर्जन 17 भी लोडेड है और वर्जन 15 भी लोडेड है। अभी दोनों वर्जन यहाँ पे लोडेड हैं इसलिए अब यहाँ पे खुद पूरी दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों आज की टिप कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करके, या आप मुझे सब्सक्राइब करके मुझे जरूर मुझे बताएं, और आगे भी मैं कोशिश करूँगा आपको इसी प्रकार और टिप्स ला के बता सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।